इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम समझेंगे जावास्क्रिप्ट और एसिंक। एसिंक का सिंटेक्स क्या है इसका? तो द कीवर्ड एसिंक बिफोर अ फंक्शन मेक द फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस। मतलब फंक्शन से पहले कीवर्ड एसिंक फंक्शन को एक प्रॉमिस करता है। अगर हमारा ये एसिंक जो हमने पहले लिखा फंक्शन से माई फंक्शन, तो जो हमारा ये माई फंक्शन है ये एसिंक अगर लगा देते हैं तो ये जावास्क्रिप्ट ES 2017 में आया था, और जो प्रामिस हमारा ये 2016 में आया था। अगर हम लिखते हैं प्रामिस का उपयोग करते हैं तो हमें रिजॉल्व और रिजॉल्व का उपयोग करते हैं तो देन का उपयोग करना पड़ता है। अगर हम रिजेक्ट का उपयोग करते हैं तो हमें कैच का उपयोग करना पड़ता है। तो इसको इस प्रकार लिखा जाएगा कि फंक्शन माई फंक्शन, और इसके आगे एसिंक का लगा देंगे हम और रिटर्न हेलो कर देंगे। उसके बाद में अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो फंक्शंस माई फंक्शंस रिटर्न प्रॉमिस और रिजॉल्व का उपयोग करेंगे हेलो। हेयर इज हाउ टू यूज प्रॉमिस। प्रॉमिस का उपयोग करेंगे कैसे? तो माई फंक्शंस डॉट देन, मतलब देन का उपयोग करना पड़ेगा अगर हम प्रॉमिस का उपयोग करेंगे तो फंक्शन वैल्यू कोड इफ सक्सेसफुल और फंक्शन एरर कोड इफ सम एरर। तो हम इसको प्रैक्टिकली में हमें और क्लियर हो जाएगा ये। सबसे पहले हमने यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप HTML लिखा, HTML का टैग लगाया, बॉडी टैग लगाया, और यहाँ पर हमने लिखा जावास्क्रिप्ट एसिंक अवेट, एक ID बनाया डेमो, स्क्रिप्ट टैग बनाया, यहाँ हमने एक फंक्शन मंगाया माई डिस्प्ले सम, और इसको हमने प्रिंट करा दिया सम को। उसके बाद हमने कंसोल भी लिख दिया इसमें, जब कंसोल का उपयोग करके देखेंगे, और इसको अभी कमेंट कर दिया एसिंक फंक्शंस माई फंक्शंस रिटर्न क्या करेगा हेलो, और माई फंक्शंस में डॉट देन फंक्शन वैल्यू माई डिस्प्लेयर वैल्यू और फंक्शन से एरर माई डिस्प्ले और एरर, और सेव करके इसका हमने डिस्प्ले देखा तो हमें यहाँ हेलो मिल गया, रिटर्न कर दिया हेलो को यहाँ पर। इस प्रकार ये फंक्शन काम करता है। उसके बाद आगे अगर हम इसको ये हटा देते हैं और फिर सेव करके डिस्प्ले देखेंगे तब भी हमें रिजल्ट वही मिलेगा। उसके बाद अगर हम यह कंसोल का उपयोग करेंगे तो हमने ऊपर कमेंट कर दिया, सेव कर दिया, तो यहाँ से हट जाएगा हेलो और यहाँ पर ये कंसोल में यहाँ पर हेलो मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर ये हट गया है, यहाँ पर कंसोल में मिल गया, तो हम इसका उपयोग कंसोल में भी कर सकते हैं, और यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID के द्वारा विंडो के अंदर भी हम प्रिंट कर सकते हैं।